महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाएं। उसने लोगों को क्या बताया, अपने एम्पायर को खड़ा करने और बढ़ाने के लिए वो क्या करने लगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म के पहले पार्ट में हमने जाना कि महेंद्र कौन है, वो किसके बेटे हैं। उनके फादर एक वॉरियर थे, जिसके बाद मेकर्स ने हमें इस सवाल से घेर दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, देवसेना के साथ क्या हुआ था। ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब हमें फिल्म बाहुबली के दूसरे पार्ट में मिल गया। लेकिन वही अब जब मेकर्स फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि भल्लाल देव के फादर उसकी मौत का बदला लेने के लिए एक बार फिर नई साजिश करेंगे, जिसमें उसमें साथ कोई पुराना माहेशमती का दुश्मन सामने आ सकता है। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि फिल्म में ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक यंग बॉय का ड्रीम होता है कि वो सबकी हेल्प करे, सबको प्रोटेक्ट करे, और सभी रूलर्स उसे गलत साबित करके सबके नज़रों में गिरा देते हैं, जिसके बाद वो अब अपने सच को सामने लाने के लिए मेहनत करके सबूत इकट्ठा करके उन सब के सामने ले कर जाता है, जिसके बाद साबित हो जाता है कि वो सही था। सभी लोग उसकी बात और सबूतों पर विश्वास करके उसे अपना लीडर बना देते हैं, जिसके बाद उसे वहाँ का राज्य मिल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो बहुत से राज्य को जीत लेता है और अपने किंगडम को और फैलाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा राज्य की राजकुमारी से शादी भी कर लेता है। एक बार फिर हमें कुछ रियल और फिक्शन का मिक्सचर देखने को मिलने वाला है बाहुबली 3 में, क्योंकि फिल्म बाहुबली के मेकर्स फिल्म के थर्ड पार्ट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सोच रहे हैं। एक बार फिर हमें यह मौका मिलने वाला है। अब देखना यह है कि इस बार मेकर्स क्या नया कॉन्सेप्ट लाते हैं फिल्म में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएस राजामौली अपनी फिल्मों के थ्रू हमें एंटरटेन करने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएस राजामौली ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में ये कहा था कि वो फिल्म के थर्ड पार्ट को नहीं बनाएंगे, लेकिन फिल्म की जो फॉलोइंग है उसे देखने के बाद उन्हें लगा कि फिल्म के थर्ड पार्ट को तो बनाना चाहिए, जिसके बाद वो ये सोच रहे हैं कि सभी कैरेक्टर्स को वापस से लाना पड़ेगा। वही फिल्म में हमें रीसेंट के सीन्स भी दिखाए जाएंगे, जिसे हमें पता चलेगा कि आज माहेश्वरी कहाँ है और उसने क्या हासिल कर लिया है। साथ ही फिल्म में हमें नए दुश्मन के बारे में भी पता चल सकता है। अब देखना यह है कि इस बार हमें दुश्मन के रूप में कौन देखने को मिलता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण किया। वो अपने आप को कभी एक रूलर नहीं बल्कि एक लीडर समझते थे, और यही रीज़न है कि उन्हें सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके लिए वो मरने और मारने को भी तैयार रहते थे। वही फिल्म में अब देखना ये भी होगा कि इस बार हमें प्रभास के ऑपोजिट कौन देखने को मिलने वाली है। राणा दबगुबट्टी की एक्टिंग स्किल से कौन अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ टक्कर ले सकता है, ये देखना बहुत ही रोचक होगा। वेल दोस्तों, अब देखना ये है कि बाहुबली 3 कमाल और धमाल मचा पाती है या नहीं अपने प्रीक्वल्स की तरह। अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।